आप देख रहे हैं यूपी ब्रेकिंग। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हरीश जी की प्रेस वार्ता में जमकर हुआ हंगामा। अवैध कब्जों और महंगाई जैसे मुद्दों पर उठे सवालों को मुख्य प्रवक्ता आंकड़ों की बात करते रहे। फरुखाबाद में मीडिया ने प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हरीश चंद्र श्रीवास्तव के सामने भाजपा सांसद एवं विधायकों की खुली पोल। विकास कार्यों की अधिक बड़ाई सुनकर पत्रकारों ने श्रीवास्तव से जिले में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत न होने तथा महत्वपूर्ण मार्गों की सड़कें न बनने की शिकायत की। श्रीवास्तव ने कहा कि वर्षा के दौरान सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिनकी मरम्मत करवाई जा रही है। अभी प्रदेश सरकार को 1.5 वर्ष हुआ है, तभी श्रीवास्तव से 4 साल के कार्यवाली केंद्र सरकार के सांसद द्वारा किए गए विकास कार्यों के बारे में मीडिया ने सवाल किए, जिसका श्रीवास्तव जी ने कोई जवाब नहीं दे सके हैं। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा नगर अध्यक्ष हिमांशु गुप्ता आदि भाजपाई मौजूद रहे। फरुखाबाद से मोहम्मद इशरार की रिपोर्ट। ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें यूपी ब्रेकिंग। वो प्रवक्ता साहब, आपसे सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि फरुखाबाद में आप जो भू माफियाओं से जमीन मुक्त करने की बात कर रहे हैं, जिला के प्रशासन ने सरकारी जो जमीन कब्जा हुई थी, प्राइवेट तो बात छोड़ दीजिए, कादरी गेट एक ऐसी जगह चौकी के पीछे, पुलिस चौकी के पीछे सरकारी नगर पालिका की जमीन पर अवैध कब्जा हो रखा है, आज तक कोई कार्रवाई आपके जिला प्रशासन ने नहीं कर पाई और ना ही आपके किसी नेता ने ये आवाज उठा पाई। देखिए आदरणीय योगी जी की सरकार की प्राथमिकता है, हमने उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता से वादा किया था जहाँ भी अवैध कब्जे होंगे वो अवैध कब्जे मुक्त होंगे। अगर कोई भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी अगर उसमें शिथिल पाया जाएगा तो उसके खिलाफ नहीं, ये तो आपकी प्राथमिकता ही, लेकिन आप प्राथमिकता जो आपकी सरकार की थी उसी पर फेल साबित हो रहे हैं आप, क्योंकि मुक्त नहीं हो रहा है। अगर कोई भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी अवैध कब्जा मुक्त कराने में शिथिल पाया जाएगा तो उसके भी खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। जो सरकारी भूमि कब्जा है फरुखाबाद में, क्या आपके आने के बाद में क्या कुछ स्थिति बढ़ेगी क्या कार्रवाई? अच्छा, दूसरा मामला ये कि फरुखाबाद में आप जो स्वास्थ्य विभाग है एकदम चरम भ्रष्टता पर उतारू है। अभी करोड़ों रुपए की 3 दिन पहले दवाएं जला दी गई सीएमओ के द्वारा, सीएमओ ऑफिस के जस्ट पीछे, 1 रुपए की कार्रवाई नहीं, 20 लाख रुपए देकर कह रहा कि मैं करा के आया हूँ अपना। आपने विशेष संज्ञान में लाया है, जो भी उसके लिए दोषी होगा मैं उसकी जांच सरकार से मैं कहूंगा, उसकी जांच होगी और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई। पहले की एक जांच उन पर चल रही है फरुखाबाद में, जो सीएमओ है इस समय अरुण कुमार उपाध्याय, वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए मैनपुरी में पकड़े गए थे, उनका स्टिंग हुआ था, यहाँ सीएमओ वहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस, उस पर ही कार्रवाई नहीं कर पाई डीएम ने, कोई कार्रवाई नहीं की, डीएम ने उसके पक्ष में रिपोर्ट दे दी सीएमओ के। वो स्वास्थ्य विभाग का हो या किसी अन्य विभाग का, अगर वो अपने कर्तव्य में शिथिल पाया गया है, किसी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई। अब इससे ज्यादा क्या आपके सामने होगा कि सामने सामने लाइव दवाई चल रही है, बाकायदा वीडियो है, सिटी मजिस्ट्रेट ने बाकायदा उसको मौके पर पकड़ा है, कम से कम 3-4 बड़ी बड़ी बोरियां भर के उन्होंने उसकी दवाई को सील करवा दिया, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं है। कार्रवाई हो ऐसा होगा। अच्छा, कुल मिला के आपकी आपकी आज इस आश्वासन आपके इस आश्वासन के बाद में क्या समझा जाए कि सीएमओ उपाध्याय हटाए जाएंगे? जो विधि विहित कार्रवाई उनके खिलाफ होगी, अगर कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए या कोई उनके खिलाफ प्रामाणिक शिकायत है तो निश्चित रूप से कार्रवाई। आप लोग पूछो भाई। एक यहाँ पर जो जिला जो है ODF कर दिया गया, और अभी भी देखा जा रहा है कि नगर पंचायत शमशाबाद में अभी तक महिला ढो रही हैं। ये विषय आप लाए हैं, वैसे तो जहाँ तक मेरी जानकारी है कि ये जो कुप्रथा थी ये उत्तर प्रदेश से समाप्त हो चुकी है, लेकिन अगर कहीं ऐसा है तो उसको हम सरकार संज्ञान मिलेगी। और जबकि नगर पंचायत में भाजपा के ही अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये कई लाए हैं तो वहाँ भी जो समाप्त करने के लिए कई ऐसी जगह है जहाँ पे जो है प्रधानों को पुरस्कृत किया गया है और उन्हीं के गांव में महिलाएं मैला ढो रही हैं। ये विषय तो आप ला रहे हैं, अगर आप मुझे देंगे तो हम उस पर जो भी संबंधित अधिकारी हैं जो विभाग हैं उनसे उस पर तात्कालिक कार्रवाई के लिए। ये सब फतेहगढ़ का जो लोको कंपाउंड है 50 एकड़ भूमि है जिसपे पूरा अवैध कब्जा आज है, बरसों से चला रहा है,
उसके लिए सुधारने के लिए क्या मतलब आपके जनप्रतिनिधियों ने कदम उठाया आप तक के? रेलवे विभाग के जो जिनकी रेलवे विभाग जिनकी जमीन पर अवैध कब्जा है उनके अधिकारियों को चाहिए कि वो डीएम को इसके संदर्भ में पत्र दें और डीएम और यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक हैं दोनों मिलते उस पर कार्रवाई करेंगे और अगर उनके देने के बाद कार्रवाई न हो तब कोई ये क्लेम कर सकता है। सर अमृतसर में बहुत बड़ा हादसा हो गया है, आज वहाँ पर जो है अमरिंदर सिंह पहुँच चुके हैं, 15 घंटे देरी से पहुँचे, क्या लग रहा है इस हादसे को लेकर रेलवे की दोष था या अमृतसर ये जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है उसका दोष है? ये बहुत ही दुखद घटना है और घटना से हम सबको बड़ी पीड़ा है। जो भी दोषी होगा जिसने तो ये तो बात का विषय है, पहले तो वो जो पीड़ित हैं जिनको जो घायल हैं उनका उपचार हो और जो जो लोग इस घटना में निर्मित हो गई उनके परिवारों के प्रति जो भी राहत का काम हो सकता है ये विषय कि किसके कारण हुआ और कौन इसके दोषी है इसमें सरकार जांच करने के बाद जो भी दोषी पाया जाए कि उसके खिलाफ कार्रवाई में जरा सा भी कोई संकोच नहीं, लेकिन वर्तमान में विषय तो ये है कि बहुत दर्दनाक और बहुत ही पीड़ा देने वाली घटना है। हम सब हैं और हमारी संवेदना है उन परिवारों के साथ हैं जिनके लोग चले गए हैं और जो लोग घायल हैं, सरकार जो कुछ मैक्सिमम कर सकते हैं। सर 60 लोगों में काफ़ी लोग यूपी और बिहार के हैं, कुछ लोगों की संख्या जो मृतक हैं उसमें यूपी के भी लोग हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार जो मृतक है उनके उनको लेके कोई पहल करेगी आगे? निश्चित रूप से हम राहत पहुंचा सकते होंगे उन परिवारों को। ठीक बस थैंक यू, हम सब उसका आदर करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को के तो एजेंडे में हमने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही राम मंदिर मुद्दे पर आंदोलन किया, लेकिन सबको ये मालूम है कि मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है और जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट नहीं आता उस पर कोई अध्यादेश नहीं आता, जैसे ही माननीय उच्चतम न्यायालय इस पर कोई निर्णय देगा उसके तत्काल बाद ही अयोध्या में भगवान रामलला के भव्य मंदिर निर्माण का रास्ता। कानून बनाकर राम मंदिर बनाने का कोई एजेंडा आपकी पार्टी पास नहीं है? नहीं, वो सब है, लेकिन जब तक वो सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है तब तक उस पर वो प्रक्रिया नहीं की जा सकती। जैसे ही उसका सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा उसके बाद ही अगर वो हमारे पक्ष में आता है, क्योंकि हाई कोर्ट का निर्णय हमारे पक्ष में है, राम मंदिर बनने के पक्ष में है, तो अगर माननीय उच्चतम न्यायालय हमारे पक्ष में निर्णय देता तो उसका रास्ता स्वतः साफ हो जाता है, अन्यथा जो भी उसके लिए वैधानिक आवश्यकता होती है अध्यादेश लाने की या कानून बनाने की, नहीं तो उसके आम लोग ये कहने लगे कि जो आस्था का विषय था वो आपने राजनीतिक विषय बना दिया, चुनाव आ गए इसलिए फिर उसे मुद्दे को जानबूझ के गरमाया जा रहा है। नहीं, ये जो लोग इस तरह कहते हैं वो या तो उनकी जानकारियां सतही हैं या वो केवल बहक आलोचना के होते हैं। सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता और सरकार सभी की प्रतिबद्धता और कटिबद्धता अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए है। शिवपाल जी से क्या संबंध है? कहा जा रहा है कि आपकी बी पार्टी है, आप उन्हें मदद कर रहे हैं, आवास उपलब्ध करा रहे हैं, कार्यालय जो लोग ये कह रहे हैं उनसे ये सवाल मेरा है कि श्रीमान अखिलेश यादव जी ने अपने मंत्रिमंडल से उनको हटाया था क्या, भाजपा से पूछ के हटाया था, उनको पार्टी से हटाया गया क्या, भारतीय जनता पार्टी से पूछ के हटाया गया, वो 1.5-2 साल तक इंतजार करते रहे क्या वो अखिलेश जी भारतीय जनता पार्टी की सलाह पे कर रहे हैं? क्यों मेहरबानी क्यों है, मेहरबान क्यों है? ये निरर्थक जो सवाल हैं या इस तरह की बातें हैं वो विधायक हैं वरिष्ठ।